हेलो नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार कश्यप। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डिस्कवरी ऑफ लाइफ न्यूज। वीडियो के माध्यम से आज के विषय में हम लोग सफ़ेद दाग चर्म रोग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिसको विटिलिगो या फिर लिकोडर्मा के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद दाग की पहचान क्या है? त्वचा का रंग फीका पड़ने लगता है, रोग के स्थान पर त्वचा सफ़ेद हो जाती है। यह एक गंभीर रोगों में से एक रोग है। त्वचा पर सफ़ेद दाग धब्बे बनना प्रारंभ हो जाते हैं, यह रोग की पहचान है। रोग के कारण क्या हैं? त्वचा पर सफ़ेद हो जाना या सफ़ेद चकत्थों के तीन कारण हो सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी, फंगल संक्रमण या फिर लिकोडर्मा विटिलिगो नामक चर्म रोग। इनमें से किसी एक के कारण से सफ़ेद दाग या चर्म रोग हो जाते हैं। सफ़ेद दाग से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसकी एक शानदार दवा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। उस दवा का नाम है लिको स्किन, जिससे लाखों मरीजों का सफल इलाज हो चुका है। और इस सफ़ेद दाग के रोग में क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा नमक का प्रयोग न करें, नया अनाज का प्रयोग बंद कर दें, तले हुए पकवान व ज़्यादा मिर्च मसाले का प्रयोग बंद करें, अचार, सिरका, दही, आमचूर, इमली, नींबू का सेवन कम कर देवें, अंडा, मछली, अन्य मांसाहार, शराब, तंबाकू का सेवन बंद कर देवें। वस्तुतः इस रोग में भथुआ साग, मूली, अदरक लाभदायक है। कुछ घरेलू दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नीम का तेल 2 ml, नारियल का तेल 10 ml, तुलसी का तेल 2 ml, एलोवेरा 20 ग्राम, लाल मिट्टी अनुमानित भाग पेस्ट बनाने के लिए। इसको आप अपने जो संक्रमण क्षेत्र है या फिर जो रोग के स्थान है वहाँ पर लगाने से एक आधुनिक लाभदायक है। कहीं कहीं नीम की पत्तियों का पानी छाछ के साथ लगाने का भी विधान है। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।